नमस्कार, मैं जंगू डिंगला। ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ शेरगांव यानी कि पश्चिम कमेटी में। आप सभी को पता होगा कि 2023 में शेरगांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज से सम्मानित किया गया था। रूरल कैटेगरी में इस खिताब से सम्मानित किया गया था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे सेतुक के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सेतुक जो कि है रिच बायोडाइवर्सिटी और वाइब्रेंट कल्चर का एक प्रमाण है। स्थानीय यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसे शेरदुप्पेन ट्राइब से जाना जाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि स्थानीय शेरदुप्पेन जनजाति की रीति रिवाजों और प्रथाओं से लेकर इसके हरे भरे लैंडस्केप तक शेरगांव एक विशिष्ट और इनरिचिंग ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आप सभी को प्रदान करता है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जब से ये टूरिज़्म विलेज से सम्मानित किया गया है, लोग यहाँ पर बाहर से भी काफ़ी आते हैं। यहाँ के जो आप मेरे आसपास देख सकते हैं, काफ़ी हरियाली है। यहाँ के लोग जो यहाँ के जो कल्चर है उसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रिजर्व कर रखा है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर शेरगांव में आई हूँ ताकि मैं आप सभी को दिखाऊँ कि यहाँ की खूबसूरत जो लोग हैं, यहाँ के खूबसूरत जो इन्होंने कल्चर ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर रखा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत शेरगांव को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ के नीचे हैं, लेकिन ये सिर्फ पेड़ नहीं है। तो हमारे साथ जो ये सर है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराएंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली। ये जो है इनको लीज के नाम से जाना जाता है, और ये लीज जो है दिस आर प्री बुद्धिस्ट बिलीव्स का एक पार्ट है। तो लीज जो है इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ए सेक्रेट ग्रुव्स जिनका पेड़ को काटा नहीं जाता कभी। एंड ये जो है बॉन जो इधर में टिबेटन एरिया में जब प्रैक्टिस होता था उसका मतलब पार्ट है, कंटेम्प्रेरी है इनका। तो यहाँ पे ली का इट्स अ प्लेस फॉर जो नाग देवता बोलते हैं, द सर्पेंट गॉड्स का उनका प्लेस माना जाता है। एंड ये पर्टिकुलरली जो लैंड ओनर है दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सेक्रेट प्लेस। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ में एक मामा जी का एरिया है। यस, क्लीन इट थॉरोली, केप्ट इट वेरी प्रॉपरली। तो इसमें ह्यूमंस और ये ली का जो रिलेशनशिप है इट्स वेरी डेलिकेट। और बिलीव्स में ये मानते हैं कि अगर ये लोग अपना नाराज़गी जब जताते हैं तो द ह्यूमंस गेट डर्मल मतलब स्किन डिजीजेस एंड ऑर्थोपेडिक डिजीजेज, जैसे जॉइंट्स में पेन होना, हड्डी रिलेटेड। एंड अगर ये लोग खुश है देन इट ब्रिंग्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द फैमिली हु टेक्स केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ली। और ली कई तरह के हैं, सम आर सोर्स ऑफ वाटर। तो इट इज़ टैबू टू मेक द सोर्स ऑफ वाटर डर्टी, उसको भी हम लोग ली का रूप देते हैं। एंड कुछ पेड़ होते हैं और कुछ पत्थर होते हैं। दिस पर्टिकुलर जो शेरगांव का बिगिनिंग में है इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज इसमें पत्थर भी है वहाँ पे और फिर पेड़ भी है। सो इट्स दिस बिकम ए पार्ट ऑफ वेरी मिस्टिकल शेरगांव। हम लोग यहाँ पे सेबुथो में बैठा हुआ है। एंड यूजुअली क्या होता है कि एनी विलेजेस में सबसे पहले जो नज़दीक होता है, बस्ती का सबसे नज़दीक होता है, उनका पेड़ वगैरह कट जाता है। बट वी आर टोटली ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू आवर एंसेस्टर्स, जो बस्ती का सबसे नज़दीक का जो जंगल है वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी हम लोग जो हमारे आसपास जो ट्रीज है, दोस आर वेरी ओल्ड ट्रीज, लाइक आई कैन ईजिली से अबाउट 400-500 ईयर्स ओल्ड ओक ट्रीज। बिकॉज ओक ट्री का क्या होता है कि ग्रोथ रेट इज़ सो स्लो। कुछ कुछ ट्रीज है यहाँ पे जो हम बचपन में जैसे जिस साइज़ में देखा था वो अभी भी वही साइज़ का है। तो उसे अंदाज़ा लग जाता है कि ये बिग ट्रीज कुड हैव बीन वेरी ओल्ड ट्रीज। और सेबुथो इस पार्ट ऑफ सेक्रेट ग्रुव्स जिसमें मतलब यहाँ के पेड़ को काटना इस टैबू, पीपल डोंट कट ट्रीज। हाँ, सूखा ब्रांचेस वगैरह को कलेक्ट करते हैं।
और यहाँ का जो ओक का लीव्स, एवरी ऑटम ये दिस ट्रीज विल शेड देयर लीव्स, तो अभी यहाँ पे भी जो लास्ट ईयर का जो पत्ता है, दीस आर अगेन यूज्ड इन द फील्ड एज ए मैन्योर। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ट्रीज एंड ह्यूमंस और फार्मर्स के बीच में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराना घर है, और जैसे कि हम सभी को पता है कि जितने जितने जो मॉडर्न ज़माने में हम बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हम देखते हैं कि हमारा घर या फिर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज होता है। बट शेरगांव एक ऐसा जगह है जहाँ पर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोगों ने अपना जो पुराने जो उनके पूर्वजों का घर था वो अभी भी उन्होंने रखा है। तो इसके बारे में हमारे जो सर हैं वो आपको अच्छे से बताएंगे। ये जो है इट्स ट्रेडिशनल सरदीपन हाउस, एंड सरदीपन ट्रेडिशनल हाउसेस में इट्स यूजुअली स्टोन्स आर यूज्ड, वुड्स इज प्राइमरीली यूज्ड, देन बैम्बू बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड सरदीपन हाउसेस में आप देखेंगे कि देयर आर थ्री लेयर्स, तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है मड एंड स्टोन का जो वॉल है ये एक रह गया, फिर बीच में जो है पूरा पर्टिकुलरली ये वुड का है, देन अपर में बैम्बू का है। तो ये थ्री ड्वेलिंग प्लेसेस है। नीचे में पीपल यूज टू कीप कैटल्स, गाय बकरी वगैरह रखते हैं, फिर बीच इज द ह्यूमन ड्वेलिंग एरिया जहाँ पे लोग, देयर विल बी टू फायर प्लेसेस इनसाइड, वहाँ रहते हैं, देन अपर पार्ट इज फॉर स्टोरेज एंड ग्रेनरी, तो खेती बाड़ी करके जो भी अनाज वगैरह रहता है वो ऊपर रखते हैं। और आप देखेंगे कि अगर इस पूरा स्ट्रक्चर देखेगा तो ये देर आर टू पार्ट्स, द उस साइड एक पार्ट है, ये लंबा एक पार्ट है, तो लोग इस एरिया में रहते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर स्मॉल रूम इज फॉर उसके लिए, ये पूजा रूम है, अल्टर एंड जो बेसिकली द प्रॉपर्टी वगैरह जो रखते हैं उसी में रखते हैं। एंड पहले में क्या होता था कि देयर यूज टू बी फायर सेफ्टी फीचर्स भी था, जैसे कि देयर विल बी लॉट ऑफ क्ले इन द सीलिंग, तो जब फायर एक्सीडेंट होता है तो द क्ले जो है नीचे गिर के घर का सामान को बचाता है, तो दैट फीचर वॉज अवेलेबल। और वेरी पर्टिकुलर फीचर ऑफ दिस हाउस इज दैट दिस इज, इवन दो दिस इज वुडन है, बट द नील्स आर नॉट यूज, द ग्रूव्स बना हुआ है, फिर इंटरलॉकिंग है, यू कैन सी दैट दिस इज द एज ऑफ द हाउस वेयर द यहाँ का प्लैंक्स को उस साइड से जो आ रहा है वो प्लैंक को इंटरलॉक करके हाउस को यही स्टेबिलिटी देता है। एंड दिस पर्टिकुलर ऑल्सो हेल्प्स फॉर अर्थक्वेक्स रेसिस्टेंट भी है काफ़ी हद तक, बिकॉज द हाउस इज टोटली इंटरलॉक्ड। ये लकड़ी है, एंड ये मोस्ट जो लकड़ी जो पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं वो पाइन का होता है, एंड जब बनाया था इट्स 1970s का घर है, ऐसा आई एम टोल्ड, माई फादर टोल्ड मी, उन्होंने वेन ही वॉज ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने बनवाया था, तो उस समय तो सौ वगैरह था नहीं, तो ऑल द प्लैंक्स विल बी चिप्ड करता था वो कुलाड़ी के थ्रू करता था। और पाइन का एक तो है कि यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा मौसम है, नॉट मच ऑफ ए बहुत ह्यूमिडिटी थोड़ा कम रहता है, एंड इसलिए वुड इज़ प्रेफर्ड। और पाइन का क्या होता है कि पाइन हैज़ गॉट रेजिन्स, जो ऑयल होता है कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, दैट्स हाउ द वुडन स्ट्रक्चर आर वेरी, मतलब बहुत काफ़ी समय तक यहाँ पे ठीक रहता है। एंड जब फायर जलता है तो उसमें स्मोक निकलता है, एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट स्मोक इज वेरी गुड प्रिजर्वेटिव फॉर बैम्बूज एंड वुड। ये शेरगांव का पुराना जो बस्ती है विलेज, उसका एक एंड एरिया है, और काकलिंग इज यूजुअली द गेटवे टू द विलेज। तो यूजुअली हमारे यहाँ में बस्ती में एंट्री मारने करने के लिए तीन जगह है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेस, और इसके अंदर में यू विल फाइंड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मुरल पेंटिंग्स, देवी देवताओं के बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग है इसमें, एंड द पेंटिंग्स आर वेरी ओल्ड इंडीड, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द विलेज। इससे भी मतलब एक डिमार्केट हो जाता है कि जो ह्यूमंस जहाँ रहते हैं दैट इज़ बियॉन्ड दिस, जो बस्ती है वो उसके अंदर में, और उसके बाद का जो है जो भी हमारा जो बाकी बीइंग स्पिरिट्स वगैरह है, जो इविल भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, तो उसका भी एक सेपरेशन का एक
ये काकलिंग से हो जाता है। और जब भी पूजा पाठ होता है तो अगर कुछ ऑफरिंग्स देना होता है तो यूजुअली हम लोग काकलिंग के बाहर तक आके ही वो स्प्रेड्स को भी ऑफरिंग देते हैं। हम लोग अभी लागांग में हैं। दिस इज मोनेस्ट्री एज वेल एज द सीट ऑफ सरगांव विलेज काउंसिल। तो विलेज काउंसिल का जो भी प्रोसीडिंग्स होता है, जो भी मीटिंग्स होता है, एंड लाइक विलेज काउंसिल का इवन डिस्प्यूट रिड्रेसल जो होता है वो इस यहीं पे होता है। तो विलेज काउंसिल का जो भी मीटिंग्स शुरू होता है वो सबसे पहले एक आग जलाया जाता है जो ये स्पॉट में, एंड इट्स दैट कि अग्नि को साक्षी मान के जो प्रोसीडिंग्स होता है वो यहीं पे होता है। और जो भी डेवलपमेंटल मीटिंग्स होगा, जो भी बाकी विलेज का जो भी पूजा पाठ के लिए भी जो मीटिंग्स होगा, इवन विलेज का तरफ से जो भी टैक्सेस वगैरह जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी यहीं पे होता है। अभी हम लोग ज़ेंगबू गोंपा में हैं। ज़ेंगबू गोंपा इज ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड ऑल्सो ए सीट ऑफ लोकल डेटी, इंडिजीनियस फेथ का जो लोकल डेटी है, ज़ेंगबू छोचोंग के नाम से जाना जाता है, उनका ये सीट है। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल इन द सेंस कि बुद्धिज़्म एज वेल एज द इंडिजीनियस फेथ का जो अमालगेमेशन हुआ है यहाँ पे, उसका ये वेरी गुड एग्जांपल है। तो यहाँ दिस इज़ द मोनेस्ट्री जो यहाँ के शेरगांव के लोग बहुत ही पूजते हैं, फॉर ऑल फॉर द ग्रेट ब्लेसिंग्स, फॉर द प्रॉस्परस टाइम्स एंड डिफिकल्ट टाइम्स, इसको ज़ेंगबू को बहुत याद करते हैं। वी ऑल्सो हैव अनदर टू मोर मोनेस्ट्रीज शेरगांव में, एंड उसमें से सबसे मानते हैं ये ज़ेंगबू को मानते हैं। जब भी आप लोग शेरगांव विजिट करेंगे तो वन ऑफ द मेन जो विजिटिंग प्लेसेस है वो मानेस है। मानेस आर द स्टोन स्टूपास जो वेरियस फॉर्म्स में मिलेंगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माने इन शेरगांव। एक और भी है, और माने जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इट्स यूजुअली घर की तरह होता है। दिस आर द रूफ्स, देन ये मिडिल पार्ट हो गया, फिर वो फ्लोरिंग एरिया हो गया। तो माने का स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे कि इट्स लाइक घर का जैसे होता है। और माने में यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टोन एनग्रेव्ड स्क्रिप्चर्स होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ओ माने पे मैं हूँ का एनग्रेव्ड होता है। फिर बुद्धा और बाकी डेटीज का भी एनग्रेव करके रखा है, जैसे यहाँ पे है। एंड माने के अंदर में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स डाला जाता है विच, और उसी से ही एक माने का स्पिरिट्स मेंटेन होता है। सो माने इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड दो तीन तरीके का माने आपको मिल जाएगा यहाँ पे। द स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर बट द यूसेज जो है अलग अलग होता है। जैसे कुछ कुछ माने बनते हैं किसी के मेमोरीज में जो गुजर गए उनके मेमोरीज में, और किसी किसी का जो है जब पहाड़ी पे बहुत रास्ता बहुत टफ होता है तो रेस्टिंग प्लेसेस में भी माने बनाया जाता है। इंटर विलेजेस का भी बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए भी माने बनाया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग जो है शेरगांव में एक माने है जिसमें जिसको कहते हैं कि न्यूथेमू माने, वो एक फिश के नाम से बनाया गया है। उसका ये इम्पोर्टेंस है कि जैसे लोकल हॉलीडेज होता है यहाँ पे बुद्धिस्ट हॉलीडेज लाइक 8th, 10th, 15th और अमावस्या का टाइम में जो होता है उसमें पीपल डोंट गो फॉर हंटिंग फिशिंग। उस समय किसी ने फिशिंग कर दिया था तो उसको ऐसे पनिशमेंट भी माने को बनाया जाता है। तो माने हैज़ गॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल इन शेरगांव। शेरगांव इज अ वेरी ब्लेस्ड प्लेस, एंड in due course of time the village as such has been recognized at the national level and state level. So here we have from the Department of Tourism Arunachal Pradesh best rural tourism village for the year 2023, and in the same year we also received national best tourism village 2023 from Ministry of Tourism, Government of India, in this silver category. And this particular award is best biodiversity management committee
इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद द यूएनडीपी इन द ईयर 2021 एंड दिस पर्टिकुलर इज द अवार्ड फॉर लाइब्रेरी अवार्ड विनर ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी फॉर्मेट इन हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल इन द ईयर 2020। अभी हम लोग ये कामचोयाम में हैं एंड ये एक थुंगी गुम्पा के नाम से भी जाना जाता है। और इस ये रुइंस जो ये गुम्पा का रुइंस है, इसका ये खासियत है कि द गुम्पा वॉज बिल्ट ऑन मड ब्रिक्स। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि देयर इज ह्यूज मड ब्रिक्स जो 1 meter by 1.5 meter by 1, तो ऑलमोस्ट 1.5 क्यूबिक मीटर्स का ब्रिक्स है यहाँ पे। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये 17th सेंचुरी का गुम्पा का रुइंस है। एंड जिस मॉन्क ने बनाया था उनका नाम है लामा जंगसे पेजंग, तो ये उनका गुम्पा है। एंड लोकली यहाँ पे इसको कामचोयाम के नाम से जाना जाता है। कामचो इज़ द क्ले या मड एंड याम इज़ द हाउस, सो पॉपुलरली इसको कामचोयाम से भी जाना जाता है। Now we are here at Anne Mukhe. Literally it means nun's cave. So Anne ka khe, that is Anne's cave. And it is believed that nun used to stay here. Uska meditation center hai. There's a rack shelves here jahan pe wo apna saman rakhti thi. And this is a huge space which can aram se accommodate about 10 people. And roof भी काफी ऊंचा है। You can see I'm able to easily stand here and walk freely. So this cave is called Anne Mukhe.